मेरा भाई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। शेबु खत्री। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका शेबु और आज हम जाएंगे मरीन ड्राइव। चलो एंड देखते हैं क्या देखने मिलता है। सी यू गाइस। हेलो गाइस, जैसे कि आप देखते हो हम लोग मरीन ड्राइव पहुँच चुके हैं। मेरे लोकेशन मेरे पीछे का और बहुत क्राउडेड जगह है, भीड़ तो बहुत अच्छी खासी है। पब्लिक यहाँ पे फोटो शूट करने में लगी है, कैमरा लेके आती है, फोटो शूट करती है DSLR से और बहुत कुछ। यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है और बहुत सी पिक्चरों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई हुई है। सो तो यहाँ पे इतना क्राउडेड प्लेस है और संडे भी प्लस तो आज ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, वरना इतनी रहती नहीं है, आप देख ही सकते हो। क्राउडेड जगह है, अच्छी जगह घूमने लायक है, फैमिली लायक है और प्लस बढ़ती भी। और यहाँ के जो पत्थर है ज़्यादा कुछ यूनिक है, आपको दिखाता हूँ। त्रिकोना स्टाइल के पत्थर है यहाँ पर, और भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही गाइस हम लोग ने मरीन ड्राइव तो दिखा दिया, अभी जाते हैं हम चरनी चौपाटी। जब आए तो वो भी देखते देखते देख लेते हैं ना, ये चरनी चौपाटी क्या है भाई? चलो एंड देखते हैं। तो जैसे ही गाइस अभी हम लोग अभी चरनी चौपाटी पे खड़े हुए, जू की तरह अक्सर बीच के जैसा, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग किया था सेम दिख रहा है, सेम टू सेम यहाँ का लोकेशन, सेम टू सेम। और पीछे यहाँ पे खाने की सुविधा है, बंदोबस्त है, होटल्स है जो आप कहना चाहो। और ऐसे लग रहा है जू और अक्सर बेशी वही सेम लग रहा है, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। और लगा तो मरीन ड्राइव भी थोड़ा यूनिक लगा, वहाँ के पत्थर जो थोड़े अलग लगे। तो जैसे ही गाइस अभी हम लोग अभी चन्नी चौपाटी पर खड़े हुए, जू की तरह अक्सर बीच के जैसा, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग किया था सेम दिख रहा है, सेम टू सेम यहाँ का लोकेशन, सेम टू सेम। और पीछे यहाँ पे खाने की सुविधा है, बंदोबस्त है, होटल्स है जो आप कहना चाहो। और ऐसे लग रहा है जू और अक्सर बीच ही वही सेम लग रहा है, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। और लगा तो मरीन ड्राइव भी थोड़ा यूनिक लगा, वहाँ के पत्थर जो थोड़े अलग लगे, बाकी सब यहाँ पे तो कॉमन ही दिख रहे हैं। मैं तो इधर का कर रहा भी नहीं था, मैंने सोचा जब आया हो तो ये भी दिखाते चलूँ, दिखाने में क्या। तो वही पूरा लोकेशन दिया हुआ पीछे। और ये जगह फैमिली लाइक भी है, कपल्स भी है, फैमिली लाइक भी है और बच्चे लोग भी है, सेम थिंग। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरे लाइन से फैमिली बैठी हुई है। और अभी हम जा रहे हैं पानी की तरफ, देखते हैं क्या देखने मिलता है। ये सब फैमिली वाले ही है और घूमने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए पब्लिक यहाँ पे आती है, घूमती है, फिरती है, मज़े लेती है एंड जाती है। चटाई है, बैठने का बंदोबस्त है, चटाई भाड़े पे मिलती है, कोई बैठने का बंदोबस्त है। और जैसे कि दरिया के पास पहुँचे गए, समुंदर के पास पहुँचे गए, यहाँ पे चटाई का चार्ज लगता है 10 या 15, 20 रुपये, 30 रुपये जो भी होगा वो सब चार्ज लगता है। तो यहाँ पे सब पानी के मज़े लेते खड़े थे। ठंडा पानी बोतल, ठंडा पानी वो जैसे कि हर एक बीच पे होता है, सब बच्चे लोग बड़े लोग पानी के थोड़े मज़े लेते हैं।
फोटो शूट वाला भी है, सब कुछ है। काफ़ी अंधेरा हो गया है इसके लिए, उसका फेस वो हो गया, यहाँ वो उजाला नहीं है। चलो मैं इधर का एक स्क्रीन लेके दिखाता हूँ, वीडियो बना के दिखाता हूँ। इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।